शाहजापुर थाना निगोही क्षेत्र में तालाब में नहाने गए दो भाई डूब गए। बालकों का तालाब में डूबते देख ग्रामीणों ने एक को बचा लिया, लेकिन दूसरा बालक डूब गया। तालाब में डूबने से बालक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। निगोही क्षेत्र के ग्राम सहदेवपुर निवासी दो चचेरे भाई टिंकू पुत्र सोनपाल व रामू धनीराम गांव के बाहर शनिवार को सुबह तालाब में नहाने गए थे। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों ही डूबने लगे। रामू ने शोर किया तो ग्रामीणों ने बालकों को डूबते देख उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े, जिसमें रामू को बचा लिया और जब तक टिंकू को तालाब से बाहर निकालते तब तक वह डूब गया। ग्रामीणों की काफ़ी कोशिश के बाद भी बालक नहीं मिला। तालाब का पानी कम करने के लिए लगभग 12 पंपिंग सेट लगाई गई। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत और कोशिश के बाद बालक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। सुबह 10 बजे घर से निकले थे तैरने के लिए। दो बच्चे साथ साथ थे, चचेरे पितेरे भाई थे। टिंकू नाम का लड़का डूब गया और उसका नाम क्या रामू नाम का लड़का निकल आया। उसने घर पे बताया जाके कि छोटा वाला भाई डूब गया ताल में। शाहजापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली की रहने वाली प्रेमिका का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि बीती रात वह अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। इस घटना के बाद प्रेमी फरार है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर उसे पंखे से लटका दिया गया। वहीं मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के जरिए मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतका ने अभी यहाँ पे खुदकुशी की हुई और अभी इसका पंचायतों पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और बाद पंचायतों पोस्टमार्टम जो भी चीज़ें होंगी उसकी कार्रवाई की। पहले पंचायतों पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद लगना क्लियर होगा अभी कुछ टाइम से। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।